हेलो बंधुओं, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर डीएस फिटनेस। दोस्तों आज लेके आया है हम शोल्डर का वर्कआउट। शोल्डर का वर्कआउट करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आपको भी करना चाहिए इस वर्कआउट को। फिलहाल हम अभी करेंगे दोस्तों इस नया आदमी के साथ, मतलब न्यू आया है जिम पर। तो इस अगर आप न्यू जिम जाना चाहते हो, अगर आप घर पे करना चाहते हो, अगर आपका पास कोई पैसा नहीं है जिम जाने का, कोई टेंशन लेने का दोस्तों, आपका भाई आपको फुल सपोर्ट करेगा। आप सिर्फ मेरा वीडियो को फॉलो करते रहेंगे, मेरा साथ जुड़ के देखते रहेंगे मेरा वीडियो को, तो मैं आपको सिखाऊंगा आपको किस तरह से घर पर कोई जिम जाने का जरूरत नहीं है। मैं आपको फुल्ली पूरा फिटनेस का, पूरा जिम का वर्कआउट मैं आपको फ्री में आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास जिम जाने का कोई टाइम नहीं है, नहीं आपके पास अगर जिम जाने का कोई पैसा नहीं, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आप दो डंबल का सहारा इस वर्कआउट को फुल्ली कर सकते हो। आपके पास अगर कोई डंबल नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, नीचे देखिए दो डंबल है मेरे पास। तो दोस्तों इस डंबल को आप आसानी से ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। मैं वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल हम करेंगे आज शोल्डर का वर्कआउट, जो कि करेंगे इस दोनों डंबल का सहारा फुल्ली। कोई जिम जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका बॉडी बनाना चाहिए चाहिए, आप पता है क्यों चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको एक हैंडसम लुक, एक अच्छा सा फिटनेस वाला लुक देखना चाहिए, क्योंकि ना हर लड़का को एक सपना रहता है। मालूम है मैं किसके बारे में बता रहा हूँ भाई? कोई भी चाहता है लड़की को इम्प्रेस करने या पटाने के लिए। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आपको भी करना चाहिए अपना शरीर के बारे में एक्सरसाइज याद रखने का दोस्तों। जस्ट किडिंग, लेकिन ज़्यादातर लड़का लड़की को एक ही प्रॉब्लम रहता है ना, मतलब क्या शरीर तो फिट नहीं रहता, तो इसलिए इम्प्रेस करने के लिए ना अपना बॉडी भी होना चाहिए थोड़ा सा। इसलिए दोस्तों ये तो सिर्फ मजाक का बात था, लेकिन सच में आपको अपना शरीर के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सीधा वर्कआउट में चला जाएंगे। तो हमारा जो पहला का जो वर्कआउट होने वाला है वो करेंगे हम लोग पुशअप से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कोई मामूली पुशअप नहीं है दोस्तों, वो शोल्डर वाला पुशअप है। तो देखिए दोस्तों मैं किस तरह से इस वर्कआउट को करता हूँ, पुशअप को करता हूँ। आपको इस तरह से ऐसा लेकर, इस तरह से ऐसा लेकर ऐसा मानना चाहिए। वन टू दोस्तों मैं ज्यादा मारूंगा नहीं, बिगिनर्स मार के देखेंगे आपको किस तरह से मारना चाहिए। मारो दोस्तों, याद रखना होगा ये है शोल्डर का वर्कआउट, शोल्डर। तो देखिए किस तरह से मारना पड़ेगा इसको, मारो। ओके हाँ मारते रहो। तो इस तरह से आपको इस वर्कआउट को चार सेट लगाना चाहिए, और एक एक सेट में 15 या 20 रेपिटेशन लगाना चाहिए दोस्तों। बस बस दिल हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सेम वर्कआउट करना से, तो दोस्तों जो अपन अगली जो वर्कआउट रहेंगे मतलब शोल्डर का, उसको इस तरह से करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सेम इस हाथ पे भी 15 रेपिटेशन करना चाहिए, और इसको भी 4 सेट लगाना चाहिए। तो आप बिगनेस करके देखेंगे आपको किस तरह से मारना चाहिए, मारो। तो दोस्तों एक बात नोटिस ना, इसको आप ज्यादा ऊपर नहीं और बराबर नहीं, बराबर से थोड़ा ऊपर लेने का, इस तरह से अपन नीचे डाउन, फिर थोड़ा आप फिर डाउन। इस तरह से आपको दोनों हाथ में, ए हाथ में 15, ए हाथ में 15, इस तरह से आपको 4 सेट लगाना चाहिए और एक 15-15 मारना चाहिए एक एक हाथ में। तो दोस्तों हमने जो अभी नेक्स्ट, जो हमारा जो नेक्स्ट अभी वर्कआउट होने वाला है उसको करेंगे इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 5 6 दोस्तों एक बात ध्यान रखने का, इसको इस तरह से पकड़ कर इस तरह से माना चाहिए, ताकि पूरा जो एनर्जी, पूरा जो फोकस हमारा शोल्डर पर पड़े इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों बिगनेस करके देखेंगे आपको किस तरह से करना चाहिए। ध्यान रखने का दोस्तों, जो कोई भी वर्कआउट हो 4 सेट लगाना चाहिए, और एक एक सेट में 15 या 20 रेपिटेशन करना चाहिए। आपके पास आपका मैंने मतलब आप अगर 20 रेपिटेशन नहीं मार सकते तो 15 मारने का कोशिश जरूर कीजिए। तो बिगनेस मार के देखेंगे, मारो। देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए, ताकि जो आपका जो पूरा जो मसल है ना शोल्डर, इसमें ज्यादा प्रेशर पड़े या ज्यादा लोड पड़े, इसलिए आपको इस तरह से फोकस कर मानना चाहिए, फुल फोकस, फुल एनर्जी के साथ। बस रिलैक्स रिलैक्स। ओके
तो दोस्तों इसी तरह से आपको वर्कआउट भी करना चाहिए। आपको कोई ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेने का, अगर नहीं कोई मतलब कम वेट लेने का, आप जितना ले सकते हो बहुत ही आसानी से, जितना मार सकते हो उतना आप मार के उतना आप वेट लेकर इस तरह से वर्कआउट को बहुत ही आसान से कीजिए। कोई उल्टा सीधा मत कीजिए, कोई गलत आन बान ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखने का, बराबर 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 पूरा बराबर तरीके से मानना चाहिए, तो आपका जो बॉडी है ना दोस्तों बहुत ही जल्दी ग्रो करने लग जाएगा। उल्टे सीधे नहीं करेंगे, बस फोकस एक दिमाग पर एक ही बात बैठाने का, वेट चाहे कम हो निकल मारना बराबर ही चाहिए। तो दोस्तों जो हमारा अगली जो एक्सरसाइज होने वाला है, मतलब जो फाइनली जो एक्सरसाइज करेंगे नंबर 4 वाला, उसको करेंगे इस तरह से। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों देखिए ऐसा नहीं करके नहीं मानने का, इस तरह से नहीं मानने का, और ना ही इस तरह से मानने का, इस तरह से नहीं। एक बात ध्यान रखने का दोस्तों, इसको स्लोली उठाइए और डाउन कीजिए, ऑफ कीजिए, स्लो डाउन कीजिए, फिर आप फिर डाउन, इस तरह से मानने का। तो बिजनेस करके देखेंगे अभी। स्लोली देखिए दोस्तों, नहीं 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 हाँ अभी उठा, हाँ स्लोली फिर डाउन, फिर स्लोली फिर डाउन। दोस्तों इसी तरह से आपको इससे इस वर्कआउट को भी आपको 4 सेट लगाना चाहिए, एक एक सेट में 15 रिपीटेशन मारना चाहिए। दोस्तों हर एक सेट में आपको 15 रिपीटेशन मारना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं मार सकते तो कोई बात नहीं, वेट थोड़ा कम की लेकर मारना आपको चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा वेट बस नहीं लगता, ज़्यादा वेट लेकर कोई उल्टे सीधे ऐसा नहीं मारने का, आपको बराबर तरीके से परफेक्टली मारना चाहिए। दोस्तों वर्कआउट एक ऐसा चीज़ है ना, आप मतलब एक ऐसा चीज़ एक बार मालूम है, आप अपना खुद ही आपको जो हार्डवर्क है मतलब परिश्रम या कोई भी करो, पूरा शरीर के ऊपर जो आपका जो एनर्जी रहता है ना दोस्तों, मतलब ऐसा लगता नहीं लगता है, मतलब खुद खाया फिकर खुद शरीर के बारे में मैं क्या इतना परिश्रम कर रहा हूँ, इस मतलब इस थिंकिंग को आप हटाइए, नहीं तो आपका जो मतलब जो बॉडी है वो कोई भी होगा नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखने का, कोई भी उल्टे सीधे मत करने का दोस्तों। आप हर एक लड़का का एक ही सपना रहता है, तो अपना शरीर फिट रहे और अच्छा दिखाई दे, और अच्छा से आदमी को मतलब लुक्स बहुत ही बेहतर था लुक्स अगर आदमी को चाहिए तो थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो आपका पास कोई समय नहीं है जिम जाने का, कोई बात नहीं है दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख देख कर सीख सकते हो। मैं आपका भाई दिवाकर हूँ, मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बहुत ही बेहतर से बेहतर तरीके से जिम सिखाऊंगा दोस्तों। आप कैसे भी तरह से आप अगर जिम जा नहीं सकते हो ना, मेरा वीडियो देख देख कर आप घर पर बॉडी बना सकते हो आप दो डंबल के सहारे। तो दोस्तों मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।